हेलो बच्चों बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 और 4 को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका -5/2 से +5/2 की ओर प्रोसीड कर रहा है, उसमें साइन की जो पावर है वो 7 है। मैंने बताया था कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और ख़ासकर उसमें साइन टेन हो, ठीक है, तो उसमें अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 मीन्स ओड नंबर आ जाए तो वो होता है एक ऑड फंक्शन। किसके लिए? केवल साइन थीटा के लिए। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है। कॉस में वही 1, 3, 5, 7, 9 वो ऑड नहीं होता, बिकॉज ऑड और इवन डिपेंड करता है उसके नेचर पे। बिकॉज आई नो दैट साइन -थीटा इक्वल्स टू -sin थीटा एंड ऑल्सो लाइक वाइज कॉस -थीटा इक्वल्स टू +cos थीटा। तो इसकी पावर कितनी भी बेटा हम कर दें कॉस की, वो आपका पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर हम इसकी पावर कर दें 7, 5 या कुछ भी, तो वो निगेटिव होगा। मीन्स इसमें ऑड नंबर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बस इवन नंबर का इस पर इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज आप जानते हैं जब माइनस की पावर 2 कर देंगे तो प्लस होगा पॉजिटिव, 4 कर देंगे तब भी पॉजिटिव, तो वैसे इसमें आप समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, सीधा हम डायरेक्ट 0 अप्लाई कर दें, क्योंकि भाई ऑड है तो ऑड में अगर P7 अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7, तो दोनों को ऐड करके हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ऐड करना है, हमारा 0 आंसर आएगा। चलिए किस तरीके से, P7 आप जानते हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होता है, -a to a f(x) dx इक्वल्स टू क्या होता है, 0 to a f(x) dx। यही तो आपकी होती है प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक। अगर इसको हम अप्लाई कर लेंगे इसमें, तो सबसे पहले इफ क्या राइट करेंगे, इफ f इज ए ऑड फंक्शन देन, अगर ये ऑड फंक्शन है देन क्या होगा, इसके प्लेस पे सबसे पहले क्या होगा, f(x) दो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक f(x) एक f(-x), ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स ए तो है, देखिए इसकी पावर 7 है, 7 अप्लाई करेंगे तो ये तो आपका आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट राइट करेंगे इफ f इज ए इवन, ठीक है, फंक्शन। तो एक चीज मैंने यहाँ पर देखिए राइट नहीं की, जब ऑड फंक्शन होता है तो माइनस में आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो माइनस की पावर 7 क्या होगा, माइनस ही तो होगा, बस समझ गए। जब ऑड फंक्शन होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, और जब इवन होगा तो प्लस आ जाएगा। तो प्लस के लिए क्या राइट करेंगे बेटा, एफ ऑफ पॉजिटिव में जब राइट करेंगे तो साइन की जो वैल्यू होगी उसको हम किस में राइट करेंगे, पॉजिटिव में, ठीक है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी, ये देखिए, ठीक है। तो जब हम एफ ऑफ -x फाइंड आउट करेंगे, यहाँ माइनस तो ये आ जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि ये है साइन, तो साइन -थीटा -sin थीटा तो डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो राइट कर सकते हैं, बिकॉज साइन -थीटा इक्वल्स टू -sin थीटा होता है। सो यहाँ पर हम जैसे ही माइनस करेंगे तो साइन -x इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, चलिए ठीक है, देखते हैं इसको किस तरीके से राइट करेंगे बेटा। पहले इवन वाला करते हैं तब ऑड वाला, ठीक है, इसको आप राइट कर लेंगे, इफ एफ इज इवन फंक्शन देन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आई सपोज करेंगे, ठीक है, बाद बेटा यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7 देन हम राइट करेंगे इसमें से पहला ये, ठीक है, इफ साइन एक्स इज ए इवन फंक्शन, ठीक है, पहले ये राइट करेंगे, देन क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से i इक्वल्स टू, और ये जो लिमिट है -5/2 से +5/2, प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने अप्लाई की, तो ये माइनस ए कन्वर्ट होकर के 0 होगा, और ये हो जाएगा a की प्लेस पे 5/2 यहाँ पे, ठीक है, और वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स की और 7 dx, ठीक है। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से 5/2 साइन की पावर 7x dx, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज करेंगे ऐसे ही, हम क्या आपकी बार साइन एक्स इज ए, आपकी बार कौन सा होगा, दूसरा ये वाला, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज करेंगे जब आएगा तो इसमें, ठीक, क्या हो जाएगा, इफ साइन एक्स इज ए
ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड इवन का तो जानते ही होंगे क्या क्या चलता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आई इक्वल्स टू, इसको भी आई सपोज करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल इफ आई इज ऑड फंक्शन। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है, यूजिंग पी 7 क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7, ना ना ना, माइनस साइन की पावर कितना, 4 की पावर 7, ठीक है, डी एक्स, क्लियर। क्या आएगा हमारा, आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 माइनस साइन की पावर 7x डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, वही जो समय करते हैं, एडिंग दीज टू इक्वेशंस, एडिंग दीज टू इक्वेशंस, क्लियर है। दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सारे में ही आप करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने जब टू इक्वेशन सपोज किया तो दोनों को आपस में ऐड किया है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आई है इधर प्लस आई, ठीक है, टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x, और ये इसमें है माइनस में, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, हो गया साइन पावर 7x। अब ये दोनों देखिए, लिमिट भी सेम सेम है, टर्म भी सेम सेम है, बस नेचर प्लस माइनस हो गया, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2 आई इक्वल्स टू 0, देन आई इक्वल्स टू 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आई बात, क्या करेंगे सीधा ऐसे क्वेश्चंस में आपको केवल इवन और ऑड फाइंड आउट करना है। ये पहला आपका मैंने यहाँ पर ऑड फाइंड आउट कर लिया, दूसरा इवन, तो आप इस तरीके से मत करिएगा, सबसे पहले आप इवन वाला राइट करिएगा, इवन वाला जो आया आएगा तो इवन वाला पॉजिटिव ही, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन होता है, एफ ऑफ प्लस एक्स होता है। लेकिन जब निगेटिव वाला फाइंड आउट करिएगा, थोड़ा ध्यान से, ब्रेकेट के बाद पावर, देन आगे इसमें इसकी नेचर माइनस के साथ, ठीक है, हाँ मैंने एक लाइन डायरेक्ट की है बेटा, साइन माइनस एक्स करना चाहिए था, बिकॉज हियर इज एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, ये देखिए क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माइनस आगे कर लिया। प्लीज मेक इट नोट इफ यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली एंड यू की, एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा, इसको प्लीज राइट करिए, सेम एज है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम चाहें तो इसमें सीधा हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके आपको इसका सोल्यूशन बता सकते हैं, तो चलिए जो इजी पड़े वही करना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करते हैं। किसमें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 0 से 2 पाई है बेटा, और कॉस की पावर है 5x, सेम क्वेश्चन है ना, केवल 5 है, तो अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज़ करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, अगर प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7, तो सबसे पहले इफ cos x इज ए क्या, इवन फंक्शन, ठीक है, जब इवन फंक्शन होगा तो क्या लेंगे, f ऑफ प्लस x लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से पावर में है 5, तो क्या हो जाएगा आगे आपका, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, इफ cos x इज ए ऑड फंक्शन, ठीक है, जब ये ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा, तब यहाँ पर माइनस एक्स लेंगे, तो यहाँ पर भी आपका माइनस एक्स, लेकिन आप जानते हैं कि इस पर इफेक्ट पड़ता नहीं, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉस थीटा मीन्स प्लस का मतलब प्लस, चाहे जहाँ आप राइट करिए, देखिए ठीक है, दोनों पॉजिटिव दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए, ठीक है, तो जब पॉजिटिव आएंगे दोनों, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ऐड होंगे, नहीं दोनों ऐड नहीं होंगे, फिर आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 जब रिजल्ट आ जाता है आपका 0, तो आप दूसरा कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते थे, कोई रूल नहीं लगाते थे, लेकिन जब 0 आएगा ही नहीं आपका रिजल्ट, तो मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 7 के साथ अधिकतर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होती है, सीधा प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने बताया था, अभी मैंने बताया यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 आफ्टर दैट प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन ये है, इसको हम पहले सपोज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, देन हम अप्लाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, यही तो यूज़ करना है, तो यूजिंग पी 7, तो हमारे पास होगा क्या, 0 से 2 पाई, आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपने पढ़ी है, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपका क्या होता है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक, और एक फॉर्मेट में यहाँ पर आपने देखा 2 आता है, मीन्स 2 सामने आ जाता है, ठीक है, वैसे मैं आपसे पूछूं कि 0 से 2 पाई
एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फंक्शन हो इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 आएगा सामने, तो यहाँ से बेटा जो 2 होगा वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो 0 से पाई हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स डी एक्स सामने है ही। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी समझ में आई, ठीक है। चलिए यही रूल अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 सामने, यहाँ पर बचेगा पाई और है कॉस की पावर 5 एक्स डी एक्स। क्लियर हो गए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो आई इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग यूज़ करेंगे यहीं पर प्रॉपर्टी नंबर 4, मैंने बताया था जो दोनों इक्वेशन हमारे बन जाएंगे पहला और दूसरा, देन हम तुरंत प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 बाहर है ही और क्या हो जाएगा अंदर में, 0 to एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए अगर आपको पता हो 0 to ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपका क्या होता था, 0 to ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, समझ में आया, मीन्स अपर लिमिट में से हम क्या करते थे माइनस, ये तो थी अपर लिमिट, ए ही तो था, ए में से एक्स माइनस करते थे वेरिएबल को, सेम एज यहाँ पर भी करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स, ये तो होगा और ये है टोटल की पावर 5। मैंने कहा था जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 या कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो आप ब्रेकेट तो ज़रूर यूज़ करें, ठीक है, सेफ हो जाता है। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ग्राफिकली आप क्वाड्रेंट में पढ़े रहे होंगे, कॉस 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस का मतलब जानते हैं ना, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और माइनस की पावर ये माइनस कॉस इतना है और इसकी पावर है 5, तो माइनस की पावर ऑड हो तो क्या होता है, माइनस भी तो होता है, समझ में आया, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वार्टर के अकॉर्डिंग पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 2 तो बाहर है ही और 0 से 2 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा और कॉस की पावर 5x dx। इसको हम सपोज करते हैं बेटा 1 और इसको करते हैं 2, बस केवल 1 और 2, केवल 2 इक्वेशन इनफ है, ठीक है। चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे, जब रिजल्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड, तो एडिंग दीज टू इक्वेशंस, इनको ऐड करेंगे क्या होगा, आई प्लस आई, इसका LHS, इसका LHS ऐड होगा, तो RHS भी इसका इसका दोनों का ऐड होगा, पहले 2 0 से पाई cos की पावर 5x dx, देन इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट रहे हैं, माइनस है तो क्या करें भाई, माइनस ही तो आएगा, 0 से पाई और कॉस की पावर 5x dx। देखिए दोनों सेम है, लिमिट भी दोनों की सेम है, टर्म भी दोनों की सेम है, तो क्या हो जाएगा, टोटल का कैंसिल, तो 2y इक्वल्स टू दोनों कैंसिल हुआ, बचा क्या 0, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। क्लियर है, अगर आपके समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेक इट डोंट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपली वे में सॉल्व हुआ है, पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज़ किया, फिर उसके बाद इक्वेशन सपोज करके, देन हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ किया, देन इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर लिया, सीधा आंसर आ गया 2 लाइन में, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपको देख रहे हैं, कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं है जिसमें आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करना पड़े, ठीक है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ ही साथ ये आपका एक फ्रैक्शनल फंक्शन है, तो इसमें हमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज हो। पहली चीज लिमिट यहाँ पे देखिए 0 to π/2 है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 7 0 to a की लिमिट से सिमिलर हो रही है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज कर लेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे, इसको पहले या इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें, इंटीग्रल आई, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके, क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट में से, देखिए इसी फंक्शन x में से ही तो माइनस करते हैं पर लिमिट को, तो पाई बाई टू माइनस एक्स यहाँ पर हो जाएगा, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ऐसे ही नीचे आपका हो जाएगा क्या, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस यहाँ भी कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, डी एक्स साथ चल रहा है, ठीक है,
अगली लाइन में आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू लिमिट चल रही है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्लियर है, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्लियर है, डी एक्स चल ही रहा है, नीचे भी 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस 90 माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, आ गया ना उसी फॉर्मेट में। इक्वेशन नंबर 2 सपोज करके दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड, ठीक है, तुरंत आप राइट करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए, एडिंग दीज टू इक्वेशंस, तुरंत इन दोनों को कर लेंगे हम ऐड, ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में तो आई प्लस आई दोनों मिलके हो जाएगा और ये दोनों का आर एच एस ऐड होगा, ठीक, इसका क्या है ये वाला पूरा का पूरा, बड़ा ये चीज यहाँ इंटू में है, तो अगर इंटू में है तो यहाँ पे भी हमें इंटू लगाना पड़ेगा, मिस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये भी इंटू हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा केवल यहाँ इंटू है बेटा, ठीक, इंटू माइनस अब ये वाला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, चाहे ए बी लिखे चाहे बी ए, बात एक ही हुई, ठीक है, तो हम इसको राइट करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स साथ में चल रहा है, देखिए दोनों लिमिट सेम है ना, लिमिट सेम है और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों को क्या कर लेंगे डायरेक्ट ऐड करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा लिमिट सिंगल जीरो टू पाई बाई टू बची रह जाएगी, अब ऊपर ऊपर दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो है ही, यहाँ पे देखिए माइनस से डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस से कॉस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा ऐड कर रहे हैं, सॉरी 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 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सबट्रैक्ट नहीं ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, टोटल का डिनोमिनेटर आपका वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी एक्स बेटा चल ही रहा है, देखिए प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स, टोटल कैंसिल हो गया, इधर आई प्लस आई मिला के टू आई, क्या बचा उधर जीरो से पाई बाई टू, ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी हो आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो, ठीक है, तो टू आई इक्वल्स टू जीरो हमें मिला, तो आई इक्वल्स टू क्या मिला इसमें भी जीरो, इसका मतलब थ्री क्वेश्चन हम सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर थर्टीन 14 15 सब में मेरा आंसर जीरो जीरो जीरो, चलिए अच्छा है आंसर छोटा आ रहा है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, तो सीधा मैंने बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ किया है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपकी, ठीक है, क्लियर, और कुछ भी नहीं है, केवल पहले को फर्स्ट इंटीग्रल मैंने सपोज किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ हुआ, कुछ भी नहीं था केवल ऐड किया है, दो लाइन में आपका आंसर, अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा, ये तो बहुत आसान था, 16 में मज़ा आएगा आपको कि क्या होगा इसमें, चलिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, 16 में ऐसा क्या है जो हर क्वेश्चंस में नहीं है, बात रही क्वेश्चन नंबर 16 की तो इसमें सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं, केवल एक ही क्वेश्चन में, बात समझ में, तो आप डर गए होंगे, डरना नहीं बेटा, केवल इसको हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक इसमें हमारे आ रहे हैं जिसमें हमें प्रॉपर्टीज यूज़ करनी हो, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख रहे हैं यहाँ पर लॉग का, लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, तो लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ एक वेरिएबल भी है, अगर सिंगल होता लॉग कॉस एक्स तो सीधा हम लिमिट रख के वेरीफाई कर देते प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करके, बिकॉज लिमिट इज वेरी सिमिलर टू क्लोज टू प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 टू ए और वी कैन से 0 टू पाई, ठीक है, तो 0 टू पाई 0 टू ए सिमिलर होना प्रॉपर्टी नंबर 4 से, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि दिख ही वैसे रहा तो वैसे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले इसमें हम अप्लाई करते हैं, ठीक, क्या राइट करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, यूजिंग पी 4 क्या मिलेगा हमें, 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा कॉस
पाई माइनस एक्स, इतने दिन से प्रॉपर्टी नंबर 4 चल रहा है, आप तो समझ ही गए होंगे, इसी में से वेरिएबल का एक्स माइनस होता है, किस में? प्रॉपर्टी नंबर 4 में, क्लियर है? आप जानते होंगे एक चीज़ बेटा, इसको पहले तो आई सपोज कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको जो क्वेश्चन है, ठीक, देन यहाँ से हमारा आई चलता रहेगा, क्लियर है? क्या मिलेगा हमें यहाँ से? 0 3 पाई log cos 180 माइनस थीटा, क्या होता है cos 180 माइनस थीटा? माइनस cos थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? 1 cos x, क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2। अब जब दो इक्वेशन मिलते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक, क्या ऐड करेंगे? एडिंग दीज टू इक्वेशंस, जैसे बेटा ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? LHS प्लस LHS, I प्लस I इक्वल्स टू 0 से पाई, ये वाला पहले राइट करेंगे log 1 cos x, फिर दूसरा वाला राइट करेंगे, दूसरा वाला क्या है? 0 से पाई, ये है दूसरा वाला log 1 cos x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए लिमिट से लिमिट मिल रही है तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड, आई प्लस आई 2i, लिमिट सेम है 0 to π, क्या हो जाएगा? log 1 cos x और प्लस log 1 cos x, बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, दोनों को आपस में हमने ऐड कर लिया है, dx साथ में सेम का हो गया। अब क्या होगा, आपको पता है log a, ये पूरा आपका a हो जाए और ये हो जाए आपका बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए गुड़े बी, ठीक, लॉग ए गुड़े बी, समझ में आई बात, जानते हैं आप। ठीक बेटा, बस समझ में आई, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो गया? लॉग ए गुड़े बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग गुड़े गुड़े बी। अभी जो मैंने प्लेस यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा था, इसमें हम यूज़ करेंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, 2y चल ही रहा है, इन दोनों को हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक ब्रेकट में ये देखिए a प्लस बी, एक ब्रेकट में a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? एक ब्रेकेट में 1 cos x, एक ब्रेकेट में 1 cos x, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 cos2x हो जाएगा, बात समझ में आई, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, सारा का सारा फॉर्मेट आपका क्लियर हो गया है यहाँ पर, ठीक। सीधा हमने यहाँ तक चला है लॉग 1 cos x, दोनों को ऐड करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, दोनों की लिमिट सेम थी तो दोनों आपस में ऐड हो गए, अब ये आपका बन गया था लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बी ऐड किया है, ठीक है, समझाने के लिए बेटा, ठीक, तो क्या हो जाएगा? लॉग ए गुड़े बी, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए गुड़े बी होता है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने 1 ऐड किया। लॉग 1 cos2x, सिर्फ हमें 1 cos2x देखना है, तो 1 cos2x क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है, जीरो से पाई लॉग यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, डी एक्स। अगली लाइन, 0 से पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर इस साइन स्क्वायर एक्स में से 2 हम बाहर कर लें, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों? क्योंकि बेटा फॉर्मूला होता है लॉग ए की पावर बी, क्या होता है? बी जो डायमेंशन होती है सामने आ जाती है, हो जाता है बी लॉग ए, समझ में आया? कई बार पढ़ाया गया है लॉग ए की पावर बी या लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम हो जाता है, तो 2 अब बाहर होगा, डायरेक्ट 2 कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 को बाहर करके डायरेक्ट कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, आप मत करिएगा, बाहर करके ही कट करिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 से पाई log साइन x, क्लियर, dx। कितने इक्वेशन अभी तक हमारे हुए, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर
पी फोर, पी फोर में जीरो से अगर टू ए होता था एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आपका क्या निकल कर आता था? ये टू आगे आता था, तो यहाँ पर क्या बचता था? ए बचता था। जब ये टू आगे आ जाता था तो यहाँ क्या बचता था? ए। मीन्स इसको डिवाइड कर देते थे जैसे टू आता था, ठीक। और फंक्शन अब क्या बचा? यहाँ ए और माइनस एक्स डी एक्स। बात समझ में आ गई होगी, समझ में आया। लेकिन इसको तब करेंगे जब ये सॉल्व हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? जो यहाँ पर राइट किया हुआ है, बात समझ में आई। यहाँ पर जो राइट किया हुआ है उसको राइट करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई है, तो अगर हम यहाँ पर कहें केवल ए हो, ठीक है, हम आपको सिर्फ प्रॉपर्टी से ही समझा दे रहे हैं ताकि मैं वहाँ पर राइट करूँ तो आपको कन्फ्यूज़न वहाँ पे ना ढूंढना पड़े। अब बेटा यहाँ पर ए है, अब मैं टू बाहर निकालूंगा, तो जैसे यहाँ ए है मैं टू बाहर निकालूंगा, मैं अभी बता रहा था डिवाइड होता है, तो यहाँ पर क्या है? ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझ में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ए बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। बस समझ में आई, ए बाई टू आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेम या की केवल प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी थी, इसकी क्लू मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है, इसके क्लू के साथ, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू टू बाहर और जीरो से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे ये कन्वर्ट हो गया ए बाई टू में, टू ए बाई टू, वैसे टू पाई बाई टू, और यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, बचेगा डी एक्स, ठीक। अभी देखिए इसको हमें अप्लाई करना है, बट क्या दूसरे लाइन में अप्लाई करेंगे, पहले फंक्शन देन आपका सेकंड लाइन में अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे, केवल अभी इसको क्वेश्चन नंबर फोर सपोज करेंगे। डायरेक्टली आप समझ सकते हैं ये इसका सॉल्वर है, क्या है ये? इसका सॉल्वर है, फर्स्ट ये आएगा देन ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो आप इससे समझ सकते हैं केवल एफ एक्स ही राइट करिए, वरना आपके दिमाग में ये डाउट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा करने के बाद देन हम सॉल्व करेंगे, तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा, टू और जीरो टू ए बाई टू, फंक्शन ए बाई टू माइनस एक्स, क्लियर है। इस तरीके से ये देन सॉल्व होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन में पहले ये इसके इक्वल्स होगा, देन ये होगा इसके इक्वल्स, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया था। तो इसको इक्वेशन नंबर फोर सपोज करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर इक्वेशन हुए हैं। अब रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल? मैंने भी बताया, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी नंबर फोर इसमें अप्लाई होगा, तो क्या होगा? लॉग साइन एक्स के प्लेस पे ये पाई बाई टू माइनस एक्स, जैसे यहाँ पे ए बाई टू माइनस एक्स हुआ, ठीक। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से? आई की वैल्यू सीधा यहाँ से देखते हैं सामने, आई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? टू बाहर है ही, जीरो से पाई बाई टू चल ही रहा है, साइन नाइन्टी माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि थीटा के प्लेस पे एक्स है। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया ये? फाइव। कितने इक्वेशन में? फाइव इक्वेशन हो गए हमारे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब फोर और फाइव को बेटा हम आपस में ऐड करेंगे, बिकॉज लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स दोनों सिमिलर हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? एडिंग एंड इक्वेशन नंबर फाइव, क्लियर है। फोर और फाइव, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा? आई प्लस आई, टू बाहर है, जीरो से पाई बाई टू, लॉग साइन एक्स डी एक्स, प्लस इसको ऐड करेंगे टू, जीरो से पाई बाई टू, लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। फोर और फाइव दोनों ऐड हो गए, आई प्लस आई टू आई, दे रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों की लिमिट सेम है, ठीक, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, जीरो से पाई बाई टू, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स साथ में चल रहा है, क्लियर है। टू से टू बेटा कैंसिल कर लेंगे, टोटल क्या बचेगा? अभी हमें रफ करना पड़ेगा, सो प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, जीरो से पाई बाई टू, वरना मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर वही फॉर्मूला, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए गुड़े बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन इंटू कॉस, लॉग ए और बी, लॉग ए बी, ठीक है। इतना आप राइट कर लें, एक चीज और राइट कर लीजिएगा यहाँ पर, हम नहीं, पहले इसको आप राइट कर लें, देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना ज्यादा प्लेस लेगा, प्लीज राइट इट इमीडिएटली, देन हम यहाँ से देखेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ से देखना है, आप यहाँ तक पूरा कंप्लीटली इसे राइट कर लें, चलिए राइट करिए जल्दी से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था, ठीक है।
आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 लिमिट लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो था। देखिए यहाँ से मैंने कहा था मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। बेटा देखिए यहाँ पर साइन और कॉस आपका है, बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, बस इतना सा यहाँ पर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इस फैक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन बनाना था इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का क्लियर जानते हैं, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पर बना, इसके पूरे के प्लेस पे हम साइन 2x राइट करेंगे, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 लिमिट चल रही है, लॉग ऑफ ये हो जाएगा पूरा का पूरा साइन 2x अपॉन में 2 चल रहा है, क्लियर है। अब इसको ब्रेक करेंगे लॉग ए अपॉन बी के फॉर्मेट में तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 चल ही रहा है, हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लिमिट के साथ डायरेक्ट अलग करेंगे तो लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 अलग हो जाएगा, ठीक है, dx लिमिट के साथ ही। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर देखिए लॉग साइन 2x है तो 2x को हम t सपोज कर लेंगे कहीं, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जैसे ही 2x को हम t सपोज करेंगे तो यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है, ठीक है। तो हमें dx के प्लेस पे dt by 2 मिलेगा। अब लिमिट पे चेक कर लेते हैं, पहली लिमिट अपर लिमिट पे चेक करते हैं, पहली अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पर चेक करते हैं। तो व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 देन t इक्वल्स टू, इसी में वैल्यू रख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पे क्या, पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, t इक्वल्स टू पाई आ जाएगा। ऐसे ही अब 0 पे चेक करेंगे, अपर सॉरी लोअर लिमिट है बेटा, लोअर लिमिट पे चेक करेंगे 0। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू, देन t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 मीन्स 0 आ गया। अब हमारी लिमिट चेंज होके बनेगी 0 से पाई, पहले क्या थी 0 से पाई बाई 2, हो गई 0 से पाई, ठीक है। क्या राइट करेंगे, 0 से पाई लॉग ऑफ साइन 2x साइन, और इसके प्लेस पे 2x के प्लेस पे t था, और dx के प्लेस पे dt by 2, बस इतना सा log 2। यहाँ पे देखिए यहाँ log 2 क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक। क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2 1 इंटू dx, क्या बचेगा 1 इंटू dx, 1 इंटू dx का x होता है, ठीक। क्या राइट करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका 0 से पाई और dt by 2 है मीन्स 1 by 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, 1 by 2 कर लिया बाहर। 0 से पाई log sin t, log sin t, ठीक है, अब dt बचा, ठीक। नेक्स्ट वाले में माइनस log 2 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स एक्स होता है, 0 से पाई बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट में चलेंगे i इक्वल्स टू 1 बाई 2, क्लियर है, आ रहा है log sin t dt 0 से पाई, तो 0 से पाई log sin t dt ये किसका था, अभी हमने एक इक्वेशन बनाया था इक्वेशन नंबर 2 या 3, उसमें जाकर के जब आप देखेंगे तो वहां पर log sin x dx क्या था, i था। तो अगर log sin x dx 0 से पाई log sin x dx अगर i था वो भी तो i के इक्वल्स होगा, बात समझ में आई, वो भी i होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या राइट करेंगे, 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू आई हो जाएगा, क्लियर है। माइनस बेटा यहाँ पे log 2x था, लेकिन यहाँ पे देखिए जब मैंने 2x को t सपोज कर लिया तो यहाँ पे देखिए क्या था, dx था ना, तो dx के प्लेस पे सीधा dt by 2 और लिमिट को हमें दोनों में चेंज करना, एक में नहीं दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, जब dx के प्लेस पे dt by 2 आएगा, dx के प्लेस पे dt by 2 आएगा तो लिमिट होगी 0 से पाई हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए बस इतना सा करना है दोनों के प्लेस पे, एक में नहीं चेंज करना है दोनों पे, ठीक है। क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 by 2 तो बाहर हो जाएगा, 1 बाई 2 हो गया बाहर, समझ में आई बात। अब log 2 है और यहाँ पर x है, x नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी टी बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर है, 1 इंटू डी टी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब टी के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 log 2। अपर लिमिट क्या होगी, पाई, और माइनस लोअर लिमिट 0, बस इतना सा था। अब इस आई को इस तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक, आई माइनस हाफ आई,
इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू लॉग टू, और ये क्या है पाई, पाई आ जाएगा कहाँ सामने, तो क्या करेंगे सीधा पाई बाई टू, समझ में आया, पाई आ गया सामने मल्टीप्लाई होगा, ठीक है लॉग के साथ तो मल्टीप्लाई होना नहीं है सामने होगा, तो वन में, तो वन में पाई का मल्टीप्लाई पाई बाई टू हो जाएगा। अब समझिए बेटा आपको मिला है वन आई, और वन आई में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है हाफ आई को, आपके पास एक मैंगो था, एक में से हाफ अपने कट करके अपने भाई को दे दिया छोटे भाई को, तो हाफ मैंगो आपके पास था आधा उसको दे दिया, कितना बचा आधा ही तो बचा, मीन्स हाफ मैंगो आपके पास बचा, तो लिखेंगे केवल हाफ आई, ठीक है इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू है, ठीक दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल आई बचेगा, आई मल्टीप्लाई वन आई होगा माइनस पाई लॉग टू, दिस इज योर फाइनली आंसर, क्योंकि माइनस पाई लॉग टू ही तो बचेगा कैंसिल होने के बाद। बेटा कुछ था कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ठीक है क्वेश्चन क्या हो गया थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, वो भी अगर आएगा ये क्वेश्चन तो 4 से 6 मार्क्स तक आएगा, इसके नीचे तो इसको आना ही नहीं है, 2 पेज का क्वेश्चन है तो 4 to 6 मार्क्स के नीचे नहीं है, अगर आपके समझ में आ गया तो प्लीज़ मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आपका जल्दी से, एक्सरसाइज को भी खत्म करना है, ठीक है चलिए राइट हो गया, तो चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बेटा लिमिट जिस तरीके से होती है उस तरीके से आप प्रॉपर्टी को पहचान करके उसमें रूल अप्लाई करते हैं, यही आपको सिखाया गया है, ठीक है इस एक्सरसाइज में। लिमिट आपकी 0 to a होती है तो आप अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से 2a के अकॉर्डिंग कुछ होती है तो खासकर उसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 अप्लाई होता है, बहुत कम ही प्रॉपर्टी नंबर 7 अप्लाई होता है, केवल 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 मेरा अप्लाई हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिमिट से ही पहचान में आ जाती है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सेम है इस क्वेश्चन में है 0 to a, ठीक है प्रॉपर्टी नंबर 4 यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर सीधा अप्लाई करते हैं डायरेक्ट यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, लेकिन एक चीज आपको करना है इसको फर्स्ट इंटीग्रल और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ये चीज नहीं भूलना है, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से a है लिमिट x के प्लेस पे, रूल अपर लिमिट में से वेरिएबल माइनस a माइनस x, सेम नीचे भी वही करेंगे, ठीक इसमें संभल के क्योंकि x के पहले माइनस है तो ब्रेकेट लगा के, ठीक a माइनस x dx चल ही रहा है तो i इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 0 से a, ऊपर a माइनस x आपका है ही, नीचे आपका a माइनस x चल रहा है, प्लस a से ही कैंसिल होगा क्योंकि ब्रेकेट ओपन होगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है अब क्या बचा, यहां पर हम देख रहे हैं जो इक्वेशन आया है वो सीधा फॉर्मेट आपका आ गया है प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तुरंत हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दो आ गए ना, दोनों को ऐड करिए क्या हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल्स टू 0 से a, पहला वाला इसको करेंगे पहले, प्लस दूसरा वाला 0 से a ये है, अब देखिए दोनों के लिमिट सेम है तो दोनों, और नीचे डिनोमिनेटर भी देखिए दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम लिमिट भी सेम, तो डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, ठीक तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, 0 से a लिमिट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ऊपर का ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, चाहे कहिए ए प्लस बी चाहे कहिए बी प्लस, ये बात तो एक ही हुई मैंने बताया था, यहाँ देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ठीक है बात समझ में आई, ए प्लस बी गई चाहे बी प्लस ए गई, देख लीजिए सेम, देख लीजिए सेम सेम यहाँ पे है ना, तो अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मैंने ऐड किया, नीचे डिनोमिनेटर सेम था तो सिंगल डिनोमिनेटर आई प्लस आई 2i हो गया, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, 0 से a लिमिट है बेटा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स मीन्स ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी क्या होता है 1, क्योंकि ये टोटल कैंसिल, ठीक है क्या बचेगा 0 से a 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स क्या होता है x होता है, तो 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, और 0 से a चल रही है लिमिट, तो 2y इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिला 2i इक्वल्स टू a ही तो मिला, केवल a मिला है, ठीक तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a बाई 2 या a अपॉन 2 आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, समझ में आ गया हो तो जल्दी से नोट कर लें, प्लीज मेक इट नोट
एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा आपका। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपका। लेकिन एक यहाँ पे एडवाइस है कि इस क्वेश्चन को देखने के पहले पहला वीडियो इस एक्सरसाइज का आप जा करके देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि पहला वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको मैंने अच्छे तरीके समझाया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके ऐसे दो क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 5 और 6 में कंक्लूजन मिल जाएगा कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करने के बाद कहां से सी की वैल्यू आती है। समझ में आया किस तरीके से? मैंने बताया था कोई भी मॉड का क्वेश्चन होगा तो केवल प्रॉपर्टी नंबर 3, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 3 कौन सी? प्रॉपर्टी नंबर 3 ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही आपकी प्रॉपर्टी थी जिसको हमें यूज़ करना है, ठीक है? अब आप जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक? अब इसमें हमें क्या करना है, केवल हमें यहाँ पर सी को देखना है कि सी कौन सा यहाँ पर पॉइंट होगा कि हमें मिलेगा। तो वो कहाँ से मिलता है? जब इस फंक्शन को ज़ीरो करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही x माइनस वन को आप ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 1। सीधा मैंने बताया था यही आपका सी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? तीनों में यही मैं रूल बता रहा हूँ कि देन जीरो करेंगे डायरेक्टली आपकी जो वैल्यू आएगी वेरिएबल एक्स की वही आपका होगा सी पॉइंट, ठीक है? सी पॉइंट मिलेगा। अब आगे के लिमिट हम चेक करते हैं। जाना है आपको 0 से 4, ठीक है? 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है। तो 0 से 4 अगर हम जाएंगे तो बीच में कितने पॉइंट मिलेंगे? 1, 2, 3, इतने पॉइंट मिलेंगे। इतने पॉइंट पे हमें पहले देखना है 1 से 2 और 3, यही 3 पॉइंट हमारे पास हैं जिसमें हम इसकी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव चेक करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले निगेटिव और पॉजिटिव में सबसे पहले x माइनस वन इक्वल टू, जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 0। केवल शो करा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। फिर 2 रखते हैं, सिर्फ x के ही प्लेस पे रखना है, तो 2 माइनस 1, 1। फिर 3 माइनस 1, इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव हैं, केवल एक ही आपका ऐसा है जो जीरो है। तो कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, बस हमें इतना देखना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। सीधा हम यहाँ पर राइट करेंगे हियर बी कैन वेरीफाइड दैट लिमिट ए टू सी, पहले क्या होता है, पहली लिमिट ए टू सी, तो ए टू सी के लिए आपका पॉइंट सी मिल गया है ना, ये आपका क्या, यही तो आपका सी है। तो अगर ये सी हो गया आपका तो ए टू सी क्या होगा, ए टू सी मीन 0 से 1 क्या हो जाएगा, और 0 से 1 आपका किस पर, किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर, किस पर हमें पता चला, यहाँ पर आपके पॉइंट मिलते थे 1 से 2। तो यहाँ पर देखिए 1 किस पर मिला है, देखिए 1 किस पर मिला है, 0 से 2 पर ना। तो क्या राइट करेंगे, ऑन 0 से 2। ये क्या है 0 से 2, ये आपको कहते हैं पॉइंट डिफरेंस, डिफरेंस पॉइंट बिटवीन 0 से 2, जिस पर हमें 1 मिला है, ठीक है? नेक्स्ट वाला सी टू बी ऑल्सो द नेक्स्ट लिमिट, मैंने यहां पर लिमिट क्यों राइट किया, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्योंकि कंटिन्यूटी से रिलेट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस बेटा, ठीक है? कंटिन्यूटी से तो क्या हो जाएगा लिमिट, अब सी से बी है तो सी से बी के लिए क्या हो जाएगा, सी से बी मीन 0 से क्या, बी क्या है 4, क्या है 4, और किस पर, यहां पर 0 से 2 हुआ था 1 मिला, 0 से 4 के बीच कौन सा मिलेगा, देखिए 0 से 4 0 से 4, हम 2 पर और 1 पर देख रहे हैं वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन हमें क्या लाना है केवल 0। तो क्या राइट करेंगे, हमारा पॉइंट होगा ऑन 0 से 4, क्योंकि 0 से 4 लास्ट वाली जो होती है वही तो होती है, उसके बीचों बीच जो पॉइंट निकलते हैं 1, 2, 3 पॉइंट किसके किसके बीच है, 1 और 4 के। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी किया गया है, फिर से जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए राइट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या प्रॉपर्टी नंबर 3 शॉर्टकट यूज करेंगे यूजिंग P3 बेटा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको आप आई सपोज कर लें और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 A to C, तो यहाँ पर A to C के लिए क्या है 0 से 1 क्या हो जाएगा x माइनस 1 dx, अभी मॉड को भी हटाना है, मॉड के लिए ये वाला रूल है, ठीक? अच्छा एक चीज़ और राइट,
वी कैन वेरीफाई दैट, इसके आगे आप क्या राइट कर सकते थे, जो चीज़ यहाँ पर आई है यहीं पर राइट कर लीजिए कि x की वैल्यू रिलेट क्या कर रही है। देखिए 0 और 1 मीन्स पहले हम x माइनस 1 की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से बड़ी, क्योंकि 0 से 1 तक गया है ना, तो 0 से आगे बढ़ा, आगे के लिए क्या होगा, 0 बड़ा हो जाएगा किससे, x माइनस 1 से, तो इसके लिए हमारी ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट के लिए आल्सो किसके लिए चेक करेंगे, जब x माइनस 1 किससे, 0 से बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो क्या वैल्यू आएगी, 0 से 4 कहाँ तक गया, 4, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 1 3 होगा, देखिए 4 माइनस 1 3 होगा, फिर 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2 होगा, समझ में आया, तो इसका मतलब 0 से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको काउंट करवाया, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई ना बेटा, कि यहाँ पर जब हम x माइनस 1 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा डायरेक्ट या तो माइनस में जाना चाहिए, माइनस में यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, बस उन्हें कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, अगर कोई पॉइंट वहाँ 0 से छोटा हम लेते, बात को समझिएगा, 0 से छोटा का मतलब होता है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ऐसा कुछ है, तो बेटा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अगर वैल्यू होंगी 0 के पीछे, तो ग्राफिकली मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बताया था, ओरिजिन पॉइंट से जब लेफ्ट साइड आते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं किस तरीके से मैंने बताया होगा, ऐसे मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया था, यहाँ पे बीच में ओरिजिन पॉइंट था, इसके इस तरफ देखिए इस क्वार्टर में माइनस प्लस, इस क्वार्टर में प्लस प्लस, इस क्वार्टर में माइनस माइनस, इस क्वार्टर में प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये था कि जब मैंने 0 से पीछे किया था तो यहाँ पर आपके क्या आए थे, माइनस 1 फिर माइनस 2 फिर माइनस 3, ठीक है, और इसके आगे हम गए थे तो प्लस 1 फिर प्लस 2 प्लस 3, हमें जाना है 4 तक, तो यहाँ पर हम आएंगे माइनस 4 तक, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव के लिए तो चेक किया, जैसे हम निगेटिव के लिए चेक करेंगे, ठीक है, फॉर निगेटिव वैल्यू, बेटा निगेटिव के लिए यहाँ पर हम चेक करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है, निगेटिव के लिए सबसे पहले माइनस 1 पर चेक करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू x के प्लेस पे माइनस 1 आएगा, ठीक, तो पहले माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आई 0 से पीछे आने पर, ठीक है। ऐसे ही टू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, फिर निगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब ये हो जाएगा जो पहला आपका होगा 0 से 1 पर जो जा रहा है, मींस ए से सी पर जो जा रहा है 0 से 1 के लिए, वो आपका निगेटिव होगा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है, कन्फर्म हो गया कि ये निगेटिव होगा। तो पहले वाले पे हम क्या करेंगे, जैसे ही मॉड को हटाए हम तुरंत कर लेंगे माइनस साइन, क्या कर लिया देखिए, माइनस साइन, और अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और लिमिट के साथ अलग करेंगे तो माइनस माइनस वन वाला प्लस होगा, ठीक, तो हो जाएगा 0 से 1 माइनस आगे x dx, फिर अगला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से 1 1 इंटू डी एक्स, फिर अगला इसमें इसमें कुछ नहीं होगा 1 से 4 x dx और माइनस 1 से 4 1 इंटू डी एक्स, इतना था, ठीक, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, समझ में आया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर x dx का क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, बस समझ में आई, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, नेक्स्ट वाला प्लस 1 इंटू डी एक्स का x होता है अपर लिमिट से हायर लिमिट, 0 से 1 है लिमिट, प्लस नेक्स्ट वाला फिर x dx है तो x स्क्वायर अपॉन 2 इसका होगा, फिर लिमिट है 1 से 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 से 4, नेक्स्ट चलते हैं i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट है तो अपर लिमिट 1 माइनस 0 लोअर लिमिट, फिर ऐसे आगे चलते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर मीन्स जब अपर लिमिट राइट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये वाली लाइन थोड़ा ध्यान से देख रही है ना, मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ पर x है अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 1, ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 नहीं राइट करेंगे क्योंकि 0 मीन्स 0 अपॉन कुछ भी 0, प्लस 1 राइट करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 4 फोर 16 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक, फिर क्या प्लस 1 बाई 2 से माइनस 1 बाई 2 से माइनस 1 बाई 2 कैंसिल नहीं होना है, केवल मैं यहाँ पर बता रहा था दोनों ऐड होगा, तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस ऐड होता है तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 हाफ माइनस हाफ माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात, माइनस हाफ मैंगो माइनस हाफ मैंगो, हाफ हाफ ऐड होते हैं तो 1 होता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू माइनस 1 हो गया इन दोनों को मिला करके, और प्लस 1 है साथ में, फिर 28 जा 16 कैंसिल हो रहा है, देखिए 28 जा 16 तो हो गया प्लस 8 और ये माइनस 3,
प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल्स टू कितना आया, एट माइनस थ्री, और एट माइनस थ्री क्या होता है, फाइव, ठीक है। आई इक्वल्स टू फाइव मीन्स योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18 का फाइव, ठीक है। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 20 देखते हैं, 21 फिर आपका चैप्टर मीन्स एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चलिए मेक इट नोट प्लीज एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत इजी है, केवल आपको लग रहा है लेंथी क्वेश्चन है, बेटा समझते हैं जल्दी से। जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन दिए हुए हैं जिसमें से इसको डिफाइन किया है कि ये आपका इक्वल्स होगा टू जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। एफ और जी जो कि डिफाइंड किए हुए हैं एफ एक्स के बेस पे, जैसे ही हम फंक्शन में आएगा तो एफ ए माइनस एक्स रखेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, फंक्शन में कहीं भी अगर एफ ऑफ एक्स आएगा तो उसके उसके प्लेस पे एफ ऑफ ए माइनस एक्स राइट करेंगे, और जी एक्स प्लस जी एफ ऑफ ए माइनस एक्स के बेस पे फोर। समझ में आई बस, इन दोनों को ध्यान से देख रहिएगा, जैसे ही ये आएगा हम इसको राइट करेंगे, और जैसे ये आएगा इसके प्लेस पे डायरेक्ट फोर, ये दोनों लास्ट में काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गिवन आपको दिया गया, दिया हुआ है जीरो टू ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करेंगे, यूजिंग पी 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता था, अपर लिमिट में से माइनस करते थे 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका यूज़ करेंगे, वैल्यू राइट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स यहाँ पर दिया हुआ, अगर लिमिट दे दें यहाँ पर तो काम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें काम चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एक्स के प्लेस पे सीधा ये इसके इक्वल्स है, तो इसके प्लेस पे हम इसको राइट करेंगे, अभी मैंने बताया था इसके प्लेस पे या इसको या इसके प्लेस पे इसको राइट करेंगे काम लगेगा, ठीक है। तो इसके प्लेस पे एफ ऑफ एक्स आएगा इन टू जी ऑफ ए माइनस एक्स चल रहा है डी एक्स आया डी एक्स, ठीक। और बेटा इसको हम क्यों लेके चल रहे हैं, इसको तो हमें प्रूफ करना है केवल, ठीक है। ये तो आर एच एस है आपका, एल एच एस से आर एच एस लाना है, इसको नहीं लेके चलना है, ठीक, इसको लेके नहीं चलना है, केवल इसको प्रूफ करना है, ये आना चाहिए, देखिए सो दैट क्वेश्चन में दिया सो दैट, तो प्रूफ करना है हमें, ठीक है, केवल एल एच एस को लेकर चलना है, आर एच एस को नहीं, क्योंकि तो प्रूफ करना है। इसको हम इक्वेशन नंबर बेटा 2 सपोज करते हैं, ठीक है, और इसको आप क्या सपोज करेंगे, आई मैंने बताया था कभी भी अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जरूर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जरूर सपोज कर लेना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, एडिंग दीज टू इक्वेशंस, दोनों को ऐड करेंगे तो एल एच एस प्लस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्लस आर एच एस हो जाएगा, क्लियर है। और इसका क्या है, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स प्लस इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, दोनों की लिमिट सेम 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 है, दोनों ऐड हो जाएगा, आई प्लस आई टू आई हो जाएगा, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी डायरेक्ट टोटल का टोटल राइट करेंगे एक साथ, इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स टोटल का जी एक्स ब्रेकेट क्लोज कर लें, ठीक, थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर जीरो से ए दोनों में देखिए एफ ऑफ एक्स कॉमन है, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा केवल जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, क्लियर। ध्यान से इसे देखते रहिएगा क्योंकि देखिए ये आगे वैल्यू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल है, टोटल है फोर के इक्वल, किसके इक्वल है फोर के, फोर राइट कर लेंगे यहाँ पर, आंसर आ गया है। तो टू आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो से ए लिमिट एफ ऑफ एक्स, और ब्रेकेट के अंदर केवल फोर आएगा, ठीक, फोर आ जाएगा बाहर, इसको यहाँ पर देख लें, ठीक है, इतने में हो जाएगा। चलिए इतने में देखते हैं, कंप्लीट हो जाएगा इतने में, क्या बचेगा हमारा, टू आई इक्वल्स टू फोर सामने, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स बचा, टू टू जा फोर, आई इक्वल्स टू टू जीरो से ए एफ ऑफ एक्स, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल प्रॉपर्टी का यूज हुआ है बेटा, केवल बेटा प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है बस, ठीक है, केवल प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स, ये दोनों गिवन था हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, सीधा फर्स्ट सपोज किया प्रॉपर्टी नंबर 4 का, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया, ए माइनस एक्स हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आपका आया, और यहाँ पर जो ए माइनस एक्स के प्लेस पे एफ एक्स आया था ये गिवन था, इसलिए इसके प्लेस पे इसको राइट किया, बस दोनों को ऐड कर लिया, आगे का प्रोसेस जानते हैं अगर समझ में आ गया, और प्लीज मेक इट नोट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।